हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मलेरिया के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये मेनली तो मलेरिया के डेफिनेशन है, इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न फेब्राइल डिजीज़ कॉज्ड बाय मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू मैन बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये मैन में ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, तो थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण ये मैन तक इसका इन्फेक्शन पहुंचता है। ठीक है, नौ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जिसमें कि मेनली फर्स्ट होता है एजेंट। तो इसका फोर डिस्टिंक्ट स्पेसिस अभी तक पाया गया है प्लाज्मोडियम का, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये फोर डिस्टिंक्ट स्पेसिस हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मलेरिया कॉज करते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। तो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन मेनली कौन होते हैं जो कि मलेरिया को मेनली ट्रांसमिट करते हैं, तो मोस्ट कॉमन इज प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम जो मलेरी है वो मोस्ट कॉमन क्या है, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है। होस्ट फैक्टर्स दैट इज एज, फर्स्ट इज एज, इट अफेक्ट्स ऑल एजेस। तो ऐसा नहीं है कि मलेरिया है जो कि सिर्फ या बड़े को होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कोई भी एज वाले लोगों को हो सकता है। सेक्स, मेनली मेल पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क में होते हैं, उन्हें ज़्यादा मलेरिया होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी इंक्रीजेस रिस्क। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पीपल हैं उनको होने का भी रिस्क जो है वो ज़्यादा है। नो हाउसिंग, तो इल वेंटिलेटेड या इल लाइटेड, मतलब कि वैसे घर जो कि इल वेंटिलेशन, जहाँ पुअर वेंटिलेशन है, जहाँ की लाइटेड अच्छा नहीं है, तो वो सब एरिया में ये जो डिजीज कंडीशन है वो ज़्यादा होता है। इन कंटिन्यू होस्ट फैक्टर्स दैट इज ऑक्यूपेशन, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो लोग एग्रीकल्चर जिनका वर्क होता है, ठीक है, जिनका फील्ड में वर्क होता है, जो खेती करते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा चांसेस होता है मलेरिया होने का। उसके बाद में है ह्यूमन हैबिट्स, स्लीपिंग आउट ऑफ डोर्स, लैक ऑफ स्प्रेइंग ऑफ हॉर्सेस। तो जो भी हैबिट्स हैं, जैसे कि बाहर बिना नेट का सोना, ठीक है, या रूम में ना सोना, ठीक है, या जो लोग ज़्यादा छत पे सोते हैं, और मतलब कि जो लोग स्प्रे नहीं कराते हैं, ठीक है, अपने घर का या जो आसपास का जो एरिया है, हाउसिंग एरिया, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो उन लोगों को या उस एरिया में जो मलेरिया होगा वो ज़्यादा केसेस मिलने का चांसेस हो सकता है। नो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो सीजन, ये किस सीज़न में ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो दैट इज़ जुलाई टू नवंबर सीजन में ये जो है मलेरिया के केस ज़्यादा देखने को मिलता है। नो टेम्परेचर, तो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मलेरिया जो पैरासाइट होता है वो ज़्यादा, उनका ब्रीडिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, नो ह्यूमिडिटी, तो 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर इन्वायरमेंट का हो तो ये मलेरिया के डिजीज़ को और भी ज़्यादा प्रोमोट करता है। नो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये किस ट्रांसमिशन से होता है, वेक्टर ट्रांसमिशन, क्योंकि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हैं वो एज अ वेक्टर काम करती हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ट्रांसमिशन हुआ। ठीक है, नो इट्स क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे पॉइंट है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वेरीज विथ डिफरेंट, पहले मैं लिख देती हूँ इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, वेरीज विथ डिफरेंट स्पेसिस, यूजली नॉट लेस देन 10 डेज। तो स्पेसिस के अकॉर्डिंग, मैंने फोर डिस्टिंक्ट स्पेसिस का नाम बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड भी डिफरेंट हो जाता है, और जो भी इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो नॉट लेस देन 10 डेज। तो जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज है इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का, दैट इज 10 डेज। ठीक है, नो क्लिनिकल फीचर्स, तो सबसे फर्स्ट स्टेज आता है इसमें, दैट इज कोल्ड स्टेज। जो पेशेंट होंगे उसमें सबसे पहले क्या होगा, फीवर जो आएगा कोल्ड स्टेज में, वो
क्या होगा, फीवर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 39 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर होगा और दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 आवर, ये 1 आवर्स तक के लिए ये स्टेज होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय हेडेक, नोजिया, चिली सेंसेशन, इसलिए चिली सेंसेशन के कारण ही इसे हम लोग कोल्ड स्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। जो फीवर आता है तो वो क्या होता है, ठंडा लगता है, बहुत ही ज़्यादा शिवरिंग टाइप पेशेंट को फील होता है, ठीक है। फॉलोड बाय राइगोट्स, तो इस कारण से ही इसको हम लोग कोल्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट होता है 1 आवर्स तक लास्ट होता है। नाउ सेकंड स्टेज, हॉट स्टेज, पेशेंट फील एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई टू टच। तो हॉट स्टेज में जो फीवर होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाने के कारण, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाने के कारण जो पेशेंट फील करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट फील करते हैं एंड एडिशन विथ ड्राई टू टच, मतलब कि उनको टच करने में थोड़ा ड्राइनेस भी होता है ड्यू टू, मतलब कि इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 6 आवर्स, तो जो स्टेज होंगे ये 2 to 6 आवर्स तक होंगे। स्वेटिंग स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज इज स्वेटिंग स्टेज, फीवर कम्स डाउन विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो जो लास्ट स्टेज होता है उसको स्वेटिंग स्टेज कहते हैं, क्योंकि फीवर के बाद में क्या होता है, स्वेटिंग के साथ में फीवर जो होता है वो डाउन होता है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है। दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स, तो 2 से 4 घंटे तक ये स्टेज का टाइम पीरियड है, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, तो कैसे प्रिवेंट किया जाए मलेरिया को, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो पर्सनल प्रोटेक्शन, जो भी इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन जो है, जो इसका क्या वेक्टर है, उसे हमें क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा अपने आप को, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्शन। तो हम लोगों को पर्सनल प्रोटेक्शन में मेनली नेट जो होगा उसे यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर हम लोग पर्सनली प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं करते हैं तो एक ये डिजीज़ क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, तो ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचेंगे, ठीक है। एक पर्सन को होता है तो नेक्स्ट पर्सन को भी होने का ये रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, इस डिजीज़ में। नाउ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में बताया कि जो भी पहले भी मैंने इसको डिस्कस करा है कि जो बाद में जो घर के बाहर में, ठीक है, जितने भी सोर्सेस क्या है, जो भी इनका इन्फेक्टेड सोर्सेस होते हैं, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज जो होते हैं उनका ब्रीडिंग प्लेसेस, जैसे कि कोई भी अगर गड्ढा है घर के आसपास, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी रेनी जो वाटर्स होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, फिल कर जाते हैं और वो वैसे सोर्सेस को डेवलप करते हैं जो कि मलेरिया को डेवलप करें, ठीक है, मलेरिया की इन्फेक्शन को बढ़ावा दें, तो वो सब सारे सोर्सेस को कम करना होगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में वो सारे एनवायरमेंटल से रिलेटेड वे स्प्रेइंग, ठीक है, स्प्रेइंग इन द हाउस, आउट ऑफ द हाउस, या जो भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं वो सारे हम लोगों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है मलेरिया से। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स इंक्लूड द यूज ऑफ द मॉस्किटो बेड नेट, यूज ऑफ इंसेक्ट रेपलेंट ऑन द एक्सपोज्ड स्किन। तो पर्सनल प्रोटेक्शन में ही हो गया कि मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया मैंने कि क्या जो नेट होता है बेड नेट उसे यूज करना, साथ में ही इंसेक्ट रेपलेंट भी आ चुका है बहुत सारे मार्केट में, जो इंसेक्ट रेपलेंट होते हैं वो क्या हमारे स्किन पे अप्लाई करना होता है, स्किन पे पूरे स्किन पे अप्लाई करना होता है, जिससे कि जो भी मॉस्किटो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उससे प्रिवेंशन होता है। तो दैट इज पर्सनल प्रोटेक्शन। नाउ वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एंटी लार्वल मेजर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लार्विसाइड्स होते हैं मेडिसिन, जो कि वैसे सोर्सेस पे, जैसे कि मैंने बताया प्लेसेस जहाँ गड्ढा है, जहाँ पे पहले से जल जमा हो चुका है, तो वैसे प्लेसेस में जाकर लार्विसाइड्स को छिड़काव करना, साथ में सोर्सेस रिडक्शन की मैंने बात कर चुकी हूँ, और नाउ इंटीग्रेटेड कंट्रोल। तो ये सब सारे जो पर्सनल प्रोटेक्शन होंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गए, ये सब सारे मिलकर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में आते हैं, इंटीग्रेटेड कंट्रोल में आते हैं, कि हम लोग इस सारे तरीकों को अपनाकर ही हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी में 1 पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन, सॉरी
अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. तो जितने जल्दी हो सके जो भी मॉस्किटो का केस है हम लोग उसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, उसे डिटेक्ट करें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें. तो इन सारे मेजर्स को कंट्रोल करके ही मलेरिया को प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है. नॉट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का दैट इज़ टू इलिमिनेट द प्लाज्मोडियम पैरासाइट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. तो जो भी मलेरिया का पैरासाइट जो ब्लड में जो इन्फेक्टेड हो गया है उसको रिमूव करना, उसे एलिमिनेट करना, दिस इज द एम ऑफ मलेरिया ट्रीटमेंट. द WHO रिकमेंड्स आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी दैट इज ACT. ACT का फुल फॉर्म होता है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है. तो ये जो है ड्रग है जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ मलेरिया को ट्रीट करने में मेनली ये यूज़ किया जाता है, दैट इज़ WHO रिकमेंडेशन. मतलब कि WHO ने ये रिकमेंड किया है कि आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर मलेरिया, ठीक है. इट रिड्यूसेस द कंसनट्रेशन ऑफ पैरासाइट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. तो ये मेनली क्या करता है, ब्लड से जो भी कंसनट्रेशन है मलेरिया पैरासाइट का उसे रिड्यूस करता है. एवरी ईयर 25 अप्रैल मार्क्स वर्ल्ड मलेरिया डे. तो 25 अप्रैल को एवरी ईयर हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक ऑफ मलेरिया टुडे. तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यूर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.